गांधी जी को हम राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू, M.K. गांधी भाई आदि अनेक उपमाओं से जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं उनके लिए वीर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। इसका कारण यह है कि देश की आज़ादी में उन्होंने कई बार कानून का उल्लंघन किया, लेकिन हर बार अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और कठोरतम सजा देने की मांग करी। गांधी जी ने अफ्रीका की अदालत में और भारत में भी, चंपारण की अदालत में भी इस तरह के बयान दिए। यहाँ में 1922 में अदालत में दिए गए उनके एक बयान का और पूरे घटनाक्रम का जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने अदालत में कहा, मुझे कठोर से कठोर सजा दी जाए। उन पर यंग इंडिया में 3 लेख लिखने का अभियोग चलाया गया। इन तीनों लेखों को ब्रिटिश हुकूमत ने राजद्रोह माना। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। तब उन्होंने लेख लिखना स्वीकार किया और उपरोक्त बयान दिया, मुझे कठोर से कठोर सजा दी जाए। जज ब्रामफील्ड ने उनको नमस्कार कर 6 साल की सजा दी, पर बयान में कहा, इस बात से इनकार करना असंभव है कि अपने करोड़ों देशवासियों की निगाह में आप एक महान देशभक्त और महान नेता हैं। जो लोग राजनीति में आपसे मतभेद रखते हैं, वे भी आपके जीवन को उच्च आदर्शों वाला तथा सच्चरित्र और ऋषि तुल्य मानते हैं। किसी सजा देने वाले जज के द्वारा इस तरह का बयान देना ही गांधी जी की वीरता को दिखाता है। वीर गांधी में यह साहस था। वे तत्कालीन कानूनों के अनुसार सजा भुगतते थे, सत्य बोलते थे। उन्होंने अपने जीवन के कुल 2089 दिन भारत की जेल में और 249 दिन अफ्रीका की जेल में कठोरतम सजा भुगतते हुए बिताए। इसी तरह से चंपारण की अदालत में भी उन्होंने कहा, आप मुझे जो सजा देना चाहते उसे कम कराने की भावना से यह बयान नहीं दे रहा हूँ। और उसके बाद में उन्होंने बयान दिया। यह घटना उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में वर्णन किया है। यही साहस, यही हिम्मत, यही वीरता गांधी जी को राष्ट्रपिता बताती है।